वीकेंड का वार, ये उन एपिसोड्स में से एक है जिसका हमें तब तक इंतजार रहता था जब तक बिग बॉस को सलमान खान होस्ट कर रहे थे। लेकिन जब से अनिल कपूर ने बिग बॉस OTT सीजन 3 होस्ट करना शुरू किया है, वीकेंड का वार देखने में वो मजा नहीं आ रहा है। ये एक ऐसा एपिसोड होता था जहां पहले सभी घर वालों की क्लास लगती थी और इम्पोर्टेंट मुद्दों पर अच्छा खासा डिस्कशन किया जाता था। सही मानो तो इस एपिसोड को देखने में जितना मजा आता था, उतना सभी एपिसोड को देखने में मिलाकर भी मजा नहीं आता था, क्योंकि ये जो सेटिस्फेक्शन हमें मिलती थी ना, जब इन लोगों को डांट पड़ती थी, इनके किए की सजा मिली जाती थी, वो टास्क देखने में एक अलग ही मजा था। लेकिन क्या अनिल कपूर सलमान खान की जगह अच्छे से ले पा रहे हैं? आई डोंट थिंक सो। आपको क्या लगता है, मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये जान ले कि इस बार वीकेंड के बारे में बहुत कुछ हो चुका है और हम धीरे धीरे सब कुछ कवर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। नमस्ते एंड हेलो एवरीवन, इट्स मी प्रशा और आप देख रहे हैं अनकट। तो भैया, अगर सबसे पहले मुद्दे की हम बात करें तो इस बार अगर आपने नोटिस किया तो अनिल कपूर चंद्रिका दीक्षित गेरा को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे थे। मुझे लगा था कि सेकंड वीकेंड का वार आते आते अनिल कपूर ये जरूर डिस्क्लोज करेंगे कि आखिर वो चंद्रिका से क्यों गुस्सा है, लेकिन ऐसा कहीं हुआ ही नहीं। सेकेंड, साई केतन को बाहर वाले के रोल से अब फायर कर दिया गया है और ये फायरिंग इतनी जल्दी इसलिए हुई है क्योंकि उनकी जो इतनी अजीज दोस्त हैं सना सुल्तान, जो घर में इस वक्त थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ तो कर ही रही हैं, उन्हें बचाने के लिए साई केतन ने विलिंगली अपना ये जॉब रोल सैक्रिफाइस कर दिया ताकि उनकी फ्रेंड बच पाए। साथ ही रणवीर शोरे और दीपक को बचा के भी साई केतन ने अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के सर से हटा दी, जो कि उन्होंने सही भी किया क्योंकि उन्हें अभी तक बाहर का सिर्फ एक मैसेज आया था कि कैसे लोग लवकेश कटारिया को एल्विश 2.0 और जोकर कह रहे हैं, लेकिन वो उस इन्फॉर्मेशन का उतना अच्छा इस्तेमाल नहीं कर पाए। इस वक्त घर के बाहर वाले हैं लवकेश कटारिया और जितनी इनकी जबान चलती है, अगर उनका दिमाग भी उतना तेज चले तो वो इस अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छी तरीके से यूज कर पाएंगे। थर्ड मुद्दा जो वीकेंड के बारे में इस बार अनिल कपूर ने उठाया और जो सही भी था, वो ये था कि कैसे लवकेश और विशाल एक साथ तो खेल रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं विशाल की जो इंडिविजुअलिटी है वो खोती नजर आ रही है। एक चीज जो मुझे पसंद नहीं आई वो ये थी कि कैसे वो विशाल को टारगेट करते ये कह रहे थे कि उनके फैंस बाहर बैठे हैं और ये चीज उनके एटीट्यूड और एरोगेंस में दिखता है। टू बी ऑनेस्ट, विशाल जब से घर में आए हैं, भले ही वो लवकेश की छत्रो छाया में खेलने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने कहीं भी अपने अच्छे फॉलोअर्स या ज्यादा नंबर ऑफ फॉलोअर्स होने का फ्लेक्स नहीं किया है। वहीं लवकेश ऑन दी अदर हैंड, उनके एटीट्यूड में ये बहुत क्लियरली झलकता है कि उन्हें पता है कि उनकी एल्विश आर्मी उनको बाहर सपोर्ट कर रही है, जिसकी वजह से वो जितने एंटरटेनिंग फर्स्ट 2 एपिसोड्स में थे, अब वो उतने एंटरटेनिंग नहीं रहे हैं। और शायद इन दोनों को साथ जगाने के लिए इन पर इतने क्रूअल टास्क भी किए गए। एक कचरा टास्क हुआ था जिसमें लवकेश और विशाल के बीच में टाई हो गया कि इन दोनों में से कचरा ओपिनियन किसका है। घर वालों ने काफी स्मार्टली 6-6 वोट देकर इन दोनों के बीच में ये चीज टाई करा दी, जिसके बाद विशाल काफी ज्यादा पिस्ड थे। लेकिन अगर ये टास्क इतना क्रूअल था, देन आई होप कि विशाल फाइनली जगेंगे और अपनी इंडिविजुअलिटी दिखाएंगे। उसके बाद जो मुद्दा उठा था वो ये था कि कैसे पॉलोमी ने बाहर के एक इंटरव्यू में वड़ा पाव गर्ल के लिए कुछ उल्टी सीधी बातें कही थी, जो मुझे लगा कि बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं था अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट सिनेरियो, क्योंकि बाहर जो भी इंसान कहता है शो में आने से पहले, उसे लोग हेडलाइन तो बना देते हैं, लेकिन जब आप घर के अंदर जाते हो, आप उन लोगों से एक्चुअल में बात करते हो, तो आपके ओपिनियंस चेंज होना बिल्कुल लाजमी है। इसी सिचुएशन में चंद्रिका ने बहुत स्मार्टली सिंपथी लेने की कोशिश करी ये कह के कि हाँ मैं रेडी वाली हूँ, मैं जो भी हूँ मैं अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ, वो सब बुलशिट था। पॉलोमी ने जो बाहर चीजें कही वो सिर्फ इसलिए थी कि वड़ा पाव गर्ल का आने का फायदा क्या है घर में, क्योंकि शायद वो इस बात से अनजान थी कि वड़ा पाव तो उनका सेकेंड बिजनेस है, पहला बिजनेस उनका फेम ही था और जिसमें वो काफी अच्छी तरह सक्सेसफुल हुई है और तभी बिग बॉस की एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनकर अंदर है। और अगर इस हफ्ते की नॉमिनेशन की बात करें तो पायल को घर से बाहर निकाल दिया है, जो आई फील वॉज ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं ये तीनों जब साथ खेल रहे थे तो अरमान को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथनिंग मिल रही थी। एक जो बहुत ही घटिया बात मुझे अरमान की इस केस में लगी वो ये थी कि जब उनसे पूछा गया अगर पायल बाहर चली गई तो उन्हें कैसा लगेगा, तो उन्होंने ये बोला कि बाहर मेरे बच्चों को कोई संभालने वाला भी होना चाहिए। इस वजह से उनके फैंस भी काफी ज्यादा उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं ये कह के कि क्या बीवियां सिर्फ बच्चे संभालने के लिए, और अगर बच्चे आपका एक्चुअली में कंसर्न थे तो
आप तीनों को साथ अंदर आना ही नहीं चाहिए था। खैर, इस वक्त पायल घर से बाहर हो चुकी हैं और घर का जो माहौल है अब और ज्यादा कॉम्पिटेटिव होने लगा है। रणवीर शोरे इस वक्त अच्छा कर रहे हैं, स्पेशली बाहर से जितने भी गेस्ट आए हैं उन सब ने उनकी तारीफ करी है। और भले ही रणवीर शोरे को पहले रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी, लेकिन अब उन्हें अपनी ड्यू रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो गई है। लेकिन इस बात का गलत फायदा उन्हें बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए। नेजी के बारे में ये कहना कि वो एक स्पेयर पार्ट है, इसलिए वो नेजी के पीठ पे खंजर घोंपना चाहते हैं, आई डोंट थिंक दैट वाज ऑलराइट। साथ ही जब नेजी ने उन्हें इस बात पर कन्फ्रंट किया तो रणवीर सॉरी बोलने के बजाय उन्हें ये कह रहे थे कि अगर आपको बुरा मानना है तो मानते रहो। कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि रणवीर भी अब गेम के मैदान में उतर चुके हैं, और भले ही उन्हें जेन्युइनली बुरा लगता है जब किसी और के साथ कोई हार्ड टास्क किया जा रहा होता है, लेकिन उन्हें अपने शब्दों का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से करना होगा, क्योंकि वो इस घर में इकलौते ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने इस साल ये कहा है, इस साल लड़के बिग बॉस नहीं चलाएंगे, अच्छे से साथ मिलकर चीजें करते हैं। और रणवीर की यही मैच्योरिटी और एंटरटेनिंग साइड लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रही है। शिवानी का जो ड्रामा हुआ वो सब तो हमने देख ही लिया। अनिल कपूर ने उस बारे में बहुत अच्छे से बात भी करी और उस मुद्दे को अच्छे से उठाया, लेकिन जिस तरह वो पॉलेमिक में भड़क रहे थे रिगार्डिंग द वड़ा पाव गर्ल इंसिडेंट, वो मुझे बहुत ज्यादा अननेसेसरी लगा। इस बारे में भी बात होनी चाहिए थी कि शिवानी कैसे कॉलोनी की बिकनी फोटोज पर कमेंट करती हैं और जाने अनजाने में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल जाती हैं। लेकिन ये जितनी भी चीजें वीकेंड का वार में हुई हैं, इसके बाद मुझे लगता है कि घर वाले जग जाएंगे, क्योंकि सिर्फ एक हफ्ता हुआ है अभी शो चलते और ऑलरेडी दो कंटेस्टेंट बाहर हो चुके हैं। लवकेश, जिन्हें सस्ता एल्विश कहा जा रहा है घर के अंदर, उनका जगना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनमें एज अ कंटेस्टेंट बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। अब देखना ये होगा कि नेक्स्ट कौन जाएगा इस घर से। अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे लगता है कि हमारी टैरो कार्ड रीडर मुनीषा जी ऑलरेडी अपने गिवन टाइम से बहुत ज्यादा घर में रह चुकी हैं। ये शांत रह के किसी का नॉमिनेशन ना लेकर बहुत शातिर तरीके से चुप बैठी हुई हैं, लेकिन इनका घर में किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो आई थिंक नेक्स्ट कंटेस्टेंट जो वोट आउट होना चाहिए वो है मुनीषा। अगर आप मेरे इन ओपिनियन से अग्री करते हैं तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर मैंने कोई पॉइंट मिस किया हो तो मुझे कॉमेंट्स में बताना ना भूले। सो दैट्स इट फॉर दिस बिग बॉस अपडेट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन मेक श्योर दैट यू लाइक शेयर एंड कॉमेंट ऑन दिस वीडियो। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि बिग बॉस से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स आपके फीड पे आते रहें, देन मेक श्योर कि आप अनकट को सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें।